मराठा आरक्षण पर आज महाराष्ट्र कैबिनेट उपसमिति की बैठक, सीएम शिंदे होंगे शामिल, क्या बनेगी बात। महाराष्ट्र सरकार आज यानी सोमवार को मराठा आरक्षण पर अपनी कैबिनेट उपसमिति की बैठक करेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शहाद्री गेस्ट हाउस में मराठा आरक्षण संबंधी कैबिनेट उपसमिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में डेप्यूटी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि मराठा आरक्षण और सुविधाओं के लिए एक कैबिनेट उपसमिति का गठन किया गया था। इस बैठक में उपसमिति अब तक किए गए कार्यों पर एक रिपोर्ट पेश करेगी। राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल इस कैबिनेट उपसमिति के अध्यक्ष हैं। दरअसल मराठा मोर्चा के समन्वयक के रूप में काम करने वाले मनोज जरांगे पाटिल राज्य में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। आरक्षण को लेकर उन्होंने राज्य सरकार से बातचीत की है, हालांकि इस मामले में उनको अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यादेश में बदलाव की भी मांग की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में मराठा समुदाय द्वारा आरक्षण की मांग पर कहा था कि उनकी सरकार मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। 31 अक्टूबर से शुरू होगा आंदोलन का तीसरा चरण। इसके साथ ही सीएम ने युवाओं से आत्महत्या जैसे कदम न उठाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम उठाने से पहले अपने माता पिता, परिवार, रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों के बारे में सोचें। आपको बता दें कि बीते महीने जालना में अब आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू हुआ, तब 24 अक्टूबर तक मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से मांगों पर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। इसके बाद मराठा आरक्षण के आंदोलन के अगुआ मनोज जरांगे पाटिल ने कहा था कि 24 अक्टूबर तक उनकी मांगे नहीं मानी गई, इसलिए आरक्षण आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। वहीं आंदोलन का तीसरा चरण 31 अक्टूबर को शुरू होगा।